सांस्कृतिक भारत की यात्रा में आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। जनसंख्या के हिसाब से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, जहां लगभग 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया में आज भी हिंदू धार्मिक पुस्तकों का काफी महत्व है। अगर आप इंडोनेशिया में हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत और रामायण की चर्चा करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां के लोगों का हिंदू धर्म में कितना विश्वास है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, उनके रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। यही कारण है कि भारत और इंडोनेशिया आज भी सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। वहां की संस्कृति में हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाजों की झलक देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मंचन होता है और खास बात यह है कि इसमें हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं। साथ ही यहाँ के लोग भगवान राम समेत कई हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का इतना प्रभाव है कि यहाँ के एक नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगी है, जो वाकई मुस्लिम देश के तौर पर हैरान करने वाला है। यहाँ मुस्लिम नाम के साथ ही हिंदू और संस्कृत के नामों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बच्चों के नाम भी हिंदू नाम पर होते हैं। इंडोनेशिया के बाली शहर में बड़ी संख्या में पौराणिक और ऐतिहासिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पौराणिक युग में हिंदू धर्म का वर्चस्व रहा होगा। 9वीं सदी में बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित प्राम्बानान के मंदिर बहुत ही आकर्षक और मनमोहक हैं। सांस्कृतिक भारत की इस यात्रा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई यात्रा में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।